हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सी पी यादव पे दोस्तों आज का जो ये आपका वीडियो है यदि आपने दोस्तों इस वीडियो में आपके सत्तर से अस्सी क्वेश्चन होंगे दोस्तों यदि आपने इस पूरे क्वेश्चनों को दोस्तों अच्छे तरह से कंठस्थ कर लिया तो दोस्तों आपसे बता रहे हैं नब्बे प्रतिशत क्वेश्चन यही से पूछेंगे दोस्तों दोस्तों आप परीक्षा के बाद आप हमसे कहिएगा अगर दोस्तों आपको गारंटी कह रहा हूं दोस्तों यदि नहीं आएगा दोस्तों तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा दोस्तों तो ज्यादा ना बात करते हुए दोस्तों हम लोग अपने आते हैं टॉपिक की ओर आपका जो क्वेश्चन है कि जनसंख्या क्या दोस्तों जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया क्या दोस्तों जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया तो दोस्तों सन उन्नीस में कब दोस्तों उन्नीस में सभी क्वेश्चन है दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे गए दोस्तों दोस्तों क्या है कि शिक्षा को निश्चित स्तर पर तो क्या दोस्तों शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है क्या दोस्तों शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्धता कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है तो दोस्तों यह किसका है सार्वभौमिक क्या दोस्तों शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुंचाना है क्या दोस्तों शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुंचाना है दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बाल बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है दोस्तों तो बाल श्रम ये तो सब लोग जानते हैं दोस्तों अगर एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु के अगर बच्चे क्या करते हैं अगर घर में आप का, कार्य करते हैं तो उसको क्या, क्या कराना क्या कहता है दोस्तों बाल श्रम कराता है दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों परिवार समाज राज्य एवं संचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं दोस्तों यह समाज के शिक्षा के प्रभावी कारक हैं क्या दोस्तों परिवार समाज राज्य एवं संचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं तो दोस्तों किसके होंगे आपके शिक्षा के होंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना क्या दोस्तों विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है दोस्तों शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाता है क्या दोस्तों शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों विद्यालय समाज में सभी के बीच क्या दोस्तों विद्यालय समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है क्या दोस्तों विद्यालय समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता कर है दोस्तों लैंगिक समानता कहलाता है क्या दोस्तों लैंगिक समानता कहलाता है दोस्तों अब दोस्तों अब आपसे पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान क्या दोस्तों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों देखिए एनपीआरसी का मतलब न्याय पंचायत संसाधन केंद्र क्या दोस्तों न्याय पंचायत संसाधन

अगला क्वेश्चन दोस्तों राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है क्या दोस्तों राज्य शिक्षा संस्थान आपका दोस्तों इलाहाबाद में है दोस्तों कहाँ पर इलाहाबाद में है जो वर्तमान में आपका क्या है दोस्तों प्रयागराज है क्या दोस्तों प्रयागराज है दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों दोस्तों ध्यान रखिएगा राज्य हिंदी संस्थान है दोस्तों आपका वाराणसी में है दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों आपका वाराणसी में आपका राज्य हिंदी संस्थान है दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है दोस्तों देखिए आंग्ल भाषा आंग्ला भाषा शिक्षण संस्थान दोस्तों इलाहाबाद में हैं क्या है क्या दोस्तों इलाहाबाद में है दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों क्या तो दोस्तों शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश हेतु कौन सा संस्कार किया जाता है दोस्तों देखिए शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश करने के लिए दोस्तों प्रवज्जा संस्कार किया जाता था दोस्तों और यह संस्कार दोस्तों कितने वर्ष में होता था दोस्तों आठ वर्ष में कितने वर्ष में दोस्तों आपका आठ वर्ष में होता था अगला क्वेश्चन दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत क्या दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है क्या दोस्तों आदर्शवाद द्वारा क्या दोस्तों शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत तो दोस्तों क्या कह रहा है कि शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता था दोस्तों किस उद्देश्य के अंतर्गत आदर्शवाद क्या दोस्तों आदर्शवाद के अंतर्गत अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम विद्यालय अथवा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों प्रकृतिवाद बोलते हैं क्या दोस्तों प्रकृतिवाद बोलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो यह विचार किसने है तो दोस्तों यह विचार आपका रूसो का था क्या दोस्तों जात। कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो यह विचार किसने दिया था दोस्तों यह विचार आपके रूसो ने दिया था दोस्तों अगला जा क्वेश्चन है दोस्तों कि छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से क्या दोस्तों छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की दोस्तों किसने कहा आपका जॉन डीवी ने क्या दोस्तों जॉन डीवी ने कहा कि छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय व्याकरण की शिक्षण सहजता को पढ़ाने का वकालत किया था दोस्तों इन्होंने अगला क्वेश्चन दोस्तों की सच्ची शिक्षा वही है क्या दोस्तों सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करे और आत्मज्ञान नागरिक दायित्व जनतत्व में आस्था अहिंसा एकता एवं भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है यह सोच विचार किसका है दोस्तों तो यह आपका महात्मा गांधी का था दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है क्या दोस्तों वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है दोस्तों विद्या ज्ञान बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया गया दोस्तों क्या विद्या ज्ञान बोध और विजय के रूप में दोस्तों वीडियो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए अगला का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति या निर्माण प्राप्ति क्या दोस्तों निर्माण प्राप्ति भी बोलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे दोस्तों विलियम जेम्स थे कौन दोस्तों दोस्तों शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जिम्स थे दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है क्या दोस्तों सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है यह कथन किसका था दोस्तों यह कथन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का था दोस्तों किसका रविन्द्रनाथ टैगोर का था दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों बालकों को बाल देव भाव की संज्ञा किसने दी दोस्तों बालकों को बाल देव भाव की संज्ञा गिजू भाई ने दी थी किसने दोस्तों गिजू भाई ने दी थी अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानतेसरी शिक्षण पद्धति कितने भागों में विभाजित है दोस्तों शिक्षण पद्धति दोस्तों तीन भागों में पहला दोस्तों कर्म इंद्रियों की शिक्षा शिक्षा ज्ञान इंद्रियों की तीसरा दोस्तों पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा दोस्तों क्या पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य क्या दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ क्या दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों चार अगस्त 2009 दो दोस्तों आप अगर चार अगस्त आपको नहीं याद हो पाता दो हजार भी लिखेंगे तो दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों पूछा है किस अधिनियम का थो थो थो? दोस्तों, तो चार अगस्त दो हजार नौ भी लिखेंगे चार चार नहीं, दो नौ भी डाल सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था क्या दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों क्या था जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों आर्थिक सामाजिक जनाकिकी राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति है तो जो कार्यक्रम बनाए गए उनका मापन करना क्या दोस्तों आर्थिक सामाजिक जनांकिकी राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों को प्राप्ति है तो जो कार्यक्रम बनाए गए थे उन, उनका क्या करने के लिए दोस्तों मापन करने के लिए जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य था दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों जल प्रदूषण दूर करने के दो उपाय लिखिए दोस्तों तो दोस्तों जल प्रदूषण को हम लोग जानते हैं दोस्तों शहर था गांव की नदियों में बहने वाले हानिकारक गंगे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों क्या दोस्तों अगर जल प्रदूषण को हमें कम करना है दोस्तों तो जो आपका जानते हैं कि शहर का जो पानी रहता है गंदा पानी होता है दोस्तों आज के आपके नदियों में बहा दिया जाता है गंगा की नदियों में यमुना की नदियों में दोस्तों इस समय दिल्ली में जा के देखिए तो यमुना नदी दोस्तों एकदम काली जैसे लगता है नाला बह रहा है दोस्तों और दोस्तों दूसरा क्या है दोस्तों नदियों के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए दूसरा क्या है दोस्तों नदियों के निकट गंदे बर्तन और मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए दोस्तों तीसरा दोस्तों नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए सही बात है दोस्तों इससे क्या होता बीमारी फैलती है दोस्तों चौथा दोस्तों कि नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ये अभी बात सही है दोस्तों क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों पानी का क्या होता है दोस्तों गंदा होता है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों 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 में में लागू किया गया तो कब अगला क्वेश्चन है दोस्तों भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं दोस्तों देखिए पृथ्वी के मंडल के जो ताप वृद्धि होती है ताप में वृद्धि दोस्तों सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है दोस्तों क्या दोस्तों पृथ्वी के ताप में आने वाली जो वृद्धि होती है उससे क्या है दोस्तों वृद्धि से है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं लिखिए क्या दोस्तों बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं लिखिए पहला दोस्तों शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या क्या दोस्तों शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या दूसरा दोस्तों कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभ्यास क्या दोस्तों कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों की किन्ही चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए क्या दोस्तों किन्हीं चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए दोस्तों तो क्या है दोस्तों सच्चाई सत्यनिष्ठा उदायित्व की भावना और दया भाव क्या है दोस्तों चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया दोस्तों सच्चाई सत्यनिष्ठा उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव अगला क्वेश्चन दोस्तों फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया तो दोस्तों ध्यान रखिए फ्रॉबेल ने किसका किया था दोस्तों किन्नर गार्डन दोस्तों क्या किंडर गार्डन का दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों टोर का किस धारणा में विश्वास था दोस्तों टाइगोर को किस धारा में विश्वास था दोस्तों सत्यम शिवम अद्वैत धारणा में विश्वास था क्यों दोस्तों सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव माना वे अद्वैतवादी थे दोस्तों क्या दोस्तों वो क्या गया उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव माना वे अद्वैतवादी थे दोस्तों कौन आपके टाइगोर जी क्या थे अद्वैतवादी थे दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फ्रॉवेल की किन्ही दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए दोस्तों क्या किया था प्रोवेल की किन्हीं दोन रचनाएं क्या दोस्तों देखिए एजुकेशन ऑफ मैन और दूसरी प्रमुख रचना क्या था मदर एंड प्ले सॉन्ग क्या दोस्तों मदर एंड प्ले सॉन्ग्स और क्या है दोस्तों एजुकेशन ऑफ मैन दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखी या फिर दोस्तों जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए दोस्तों तो यह क्वेश्चन है दोस्तों जनसंख्या शिक्षा का अर्थ हम परिभाषा बताइए तो दोस्तों क्या है देखिए परिभाषा दोस्तों जनसंख्या शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बनी है जनसंख्या एवं शिक्षा अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं दोस्तों सीधा बात है दोस्तों कि अर्थात जिस जनसंख्या में क्या होता है दोस्तों शिक्षा का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं दोस्तों जनसंख्या शिक्षा को समझने हेतु इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है जो निम्नलिखित है दोस्तों पहला दोस्तों राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार क्या दोस्तों राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार क्या है दोस्तों यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रक्षेप में देश प्रदेश तथा तो छात्रों की जनसंख्या स्थिति जनकांकिकी के प्रमुख तत्वों जनसंख्या एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंध हो जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है दोस्तों क्या दोस्तों मतलब इसका ऐसा प्रयास है दोस्तों कि छात्र छात्राओं को विश्व के मतलब देश प्रदेश के जितनी भी देशों जनसंख्या स्थिति जना के प्रमुख तत्व जनसंख्या में पर्यावरण के पारस्परिक संबंध हो जनसंख्या वृद्धि अर्थ जितनी भी दोस्तों हैं इसकी क्या होनी चाहिए दोस्तों जानकारी देनी चाहिए दोस्तों दूसरा है दोस्तों यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में अथवा अधिक महत्वपूर्ण संख्याओं के निबंध के रूप में नहीं जानना चाहिए इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष एवं मानव स्रोत विकास के संबंध में जानना चाहिए दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ वर्तमान एवं भावी परिवार क्या दोस्तों इस प्रकार से जनसंख्या शिक्षा का मतलब यह है दोस्तों कि वर्तमान तथा तो भावी परिवार के कल्याण आर्थिक संपन्नता तथा तो राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करना है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूरस्थ शिक्षा की कोई दो विशेषताएं बताइए दोस्तों क्या दोस्तों दूरस्थ शिक्षा की कोई दो विशेषताएं लिखिए दोस्तों क्या है दोस्तों Osionfish. यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से श्रद्धा भिन्न है दोस्तों दूरस्थ शिक्षा मतलब दूर मतलब तो मतलब रह करके शिक्षा की जाती है दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों इस पद्धति में स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है दोस्तों क्या दोस्तों इस पद्धति में दोस्तों स्व अध्ययन मतलब सेल्फ स्टडी पर क्या हो जाता है दोस्तों अधिक बल दिया जाता है दोस्तों तीसरा भी देख लीजिए दोस्तों दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत छात्र एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो दूरदर्शन वी आर सीडी प्लेयर कंप्यूटर इंटरनेट इत्यादि का क्या दोस्तों उपयोग किया जाता था दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों देखिए अनौपचारिक शिक्षा क्या है दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव है जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास संस्था एवं संसाधन के सामूहिक स्थिति के प्राप्त करते हैं इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है इसकी न तो कोई निश्चित योजना होती है और न ही कोई निश्चित निमावली होती है यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य यह दोस्तों कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि यह एक ऐसी शिक्षा होती है दोस्तों इसमें न कोई मतलब कोई न पाठ्यक्रम निर्धारित रहता है न कुछ न कुछ यह दोस्तों क्या होता है आपका संस्था एवं साधन के व्यवहार स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त होता है दोस्तों मतलब दोस्तों कि यह समाज के द्वारा हमें प्राप्त तो होता है दोस्तों इसका कोई वो नहीं है दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मल्टी मीडिया क्या है दोस्तों क्या दोस्तों मल्टी मीडिया क्या है दोस्तों कि आधुनिक समय में मल्टी मीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने हेतु आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है दोस्तों इसमें डिजिटल वीडियो ग्राफिक्स ऑडियो थ्री एनिमेशन इंटरनेट कंटेंट एक्टिव कार्यक्रम इंटरेक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग समाहित रहता है दोस्तों स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तु विभिन्न प्रकार के माध्यमों श्रव्य दृश्य पाठ तथा चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मल्टीमीडिया का अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है दोस्तों दोस्तों हम बोल सकते हैं कि मल्टीमीडिया के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि दूर दूर की सूचनाओं को क्या करते हैं घर बैठे क्या कर सकते हैं दोस्तों हम लोग प्राप्त कर सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों की बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए दोस्तों तो बौद्धकालीन शिक्षा कोई दो विशेषता थी पहला दोस्तों संघ था संघ का दोस्तों मतलब क्या होता है संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे क्या था दोस्तों संघ बौद्ध शिक्षा का के 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 प्रमुख केंद्र था दोस्तों संघ में प्रविष्ट होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था क्या वन… दोस्तों संघ में जब वो प्रविष्ट होता था था तो मनुष्य क्या बन जाता था दोस्तों श्रमण बन जाता था श्रमण के अलावा संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी क्या दोस्तों श्रवण के अलावा संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी दोस्तों और संघ में प्रवेश लेने के लिए विशेष नियम संघ में प्रविष्ट होने की क्या दोस्तों प्रवज्जा प्रवज्जा कहते हैं दोस्तों क्या होता था तो दोस्तों प्रवज्जा संस्कार होता था दोस्तों जो आठ वर्ष की अवस्था में होता है इसका अर्थ है दोस्तों बाहर जाना अर्थात भावी भिक्षुक परिवार से बिलग होकर बाहर कर बौद्ध धर्म संघ में मिल रहा था दोस्तों इसकी आयु दोस्तों आठ से बारह वर्ष के मध्य होती थी बीस वर्ष की आयु में उमपदा संस्कार होता था दोस्तों क्या मैं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बीस वर्ष की आयु में उमपदा संस्कार होता था दोस्तों इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुरु और शिष्य संबंध क्या दोस्तों गुरु और शिष्य संबंध दोस्तों तो क्या है दोस्तों गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था दोस्तों गुरु एवं शिष्य के बीच बड़े घनिष्ठ एवं मधुर संबंध होते हुआ करते थे दोस्तों दोनों का जीवन सादा एवं निकट का होता था गुरु शिष्यों की शैक्षिक शारीरिक सारी, मानसिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था दोस्तों इस युग में गुरु शिष्य का मठ से निष्कासन कर सकता था इस युग में क्या दोस्तों क्या था गुरु शिष्य का शिष्य को मठ से निष्कासन कर सकता था दोस्तों जब गुरु यह पाता कि कोई शिष्य पर्याप्त मात्रा में उसे सम्मान नहीं दे रहा है या अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है तो वह उसका निष्कासन कर दिया करता था, था। दोस्तों यदि कोई गुरु किन्हीं कारणों से संघ से बाहर हो जाता था दोस्तों उसके शिष्यों को भी संघ से बाहर ले जाना पड़ता था दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों गुरु शिष्य का संबंध दोस्तों बहुत अच्छा था दोस्तों यदि कोई बालक मतलब इसमें गुरु को स्वतंत्रता थी दोस्तों अगर वह चाहता दोस्तों तो अगर किसी बालक को क्या कर सकता था दोस्तों उस संघ से बाहर कर सकता था और कोई गलती करने पर उसे दोस्तों दंड के रूप में तो उसे बाहर कर सकता था और या फिर उसका मन अगर अपनी शिक्षा में नहीं लगता लगता हो तो वहां पर भी उसको क्या कर सकता था, था दोस्तों बाहर कर सकता था अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए दोस्तों तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है दोस्तों सुकरात हैं प्लेटो हैं डेकार्ट है, स्पिनोजा तथा तो हीगल हैं क्या दोस्तों सुकरात प्लेटो डेकार्ट स्पिनोजा तथा हीगल दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम दोस्तों ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद का जन्म जो दोस्तों बचपन का नाम इनका नरेंद्र दाथ था क्या दोस्तों नरेंद्र था दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार पूछा जाए दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त था क्या दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त था इनका जन्म था दोस्तों कलकत्ता में सन अठारह सौ तिरसठ में हुआ था दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहां पर की तो दोस्तों ध्यान रखिएगा

सहित जीवन की वर्तमान और भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के, के महत्वपूर्ण अनुभूति कराना। दोस्तों क्या हो जाएगा? आर्थिक प्रगति एवं शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान और भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं को महत्व की अनुभूति कराना दोस्तों अगला है दोस्तों छोटे परिवार को क्या दोस्तों छोटे परिवार को जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभाव्य रहती है सकारात्मक दृष्टि से देखना दोस्तों क्या प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना अगला क्वेश्चन दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए दोस्तों तो दोस्तों वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन हवा जल गंदा या दूषित हो जाता है हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करे वातावरणी अथवा वातावरण प्रदूषण कराता है दोस्तों वातावरण प्रदूषण दोस्तों सब जानता है दोस्तों वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारा क्या हो भोजन दूषित होता हो जल दूषित होता है और हमारे को क्या दोस्तों पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हो उसे क्या दोस्तों हम लोग दो पर्यावरण प्रदूषण करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था दोस्तों ध्यान रखिए बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था आपका दोस्तों महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किया था दूसरा दोस्तों प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था दोस्तों तो, एकेडमी का था दोस्तों प्लेटो ने किस चीज की किया था था प्लेटो का मानना दोस्तों कि बिना एकेडमी के कि किसी को शिक्षा नहीं दी जा सकती है दोस्तों तो इसलिए उन्होंने क्या किया एकेडमी किया उन, उनका मत नहीं था कि हम घूम घूम करके शिक्षा किसी को दें दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों राज्य से क्या अभिप्राय है क्या दोस्तों राज्य से क्या अभिप्राय है दोस्तों तो देखिए आई एल कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुस सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जाती है क्या दोस्तों राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा तो जिससे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है क्या दोस्तों जिससे जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों पाठशाला को बाघ शिशु को पौधा और शिक्षक को मालिक कहने वाले विचारक का नाम तो दोस्तों ने क्या दोस्तों फ्रॉवेल थे दोस्तों पाठशाला को बाघ इन्होंने ही दोस्तों किंडर विधि का वो थे दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता दोस्तों तो दोस्तों प्रयोजनवाद जो होता है है ईश्वरी सत्ता में आस्था नहीं रखता है दोस्तों किस में ईश्वरी सत्ता में आस्था नहीं रखता है दोस्तों दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा था वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों शिक्षण विधि के जनक कौन है दोस्तों तो शिक्षण विधि के जनक दोस्तों आपके सुक्रात हैं कौन दोस्तों सुख

समाज बालकों के लिए शिक्षा संसाधनों की संस्थानों की स्थापना करता है उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है दोस्तों मतलब उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी सहायता करता है दोस्तों वित्तीय सहायता करता है दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों की मूल्य का अर्थ लिखिए दोस्तों क्या मूल्य का अर्थ लिखिए दोस्तों मूल्य का अर्थ क्या है दोस्तों मूल्य शब्द का शब्द का शब्दकोशी अर्थ है क्या दोस्तों कि किसी मतलब कि व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण सम्मानित उपयोगी सिद्ध हो जाए मूल्य का अर्थ यह मूल्य शब्द का शब्द कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु की का दोस्तों ऐसा गुण मतलब किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण हो दोस्तों जिसके कारण वह दोस्तों महत्वपूर्ण सम्मानित उपयोगी सिद्ध हो जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों मूल्य कहते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों क्या बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों देखिए देखिए क्या हो सकता है गरीबी भूखमरी उचित वातावरण का न मिलना और जागरूकता कितने हो जाएंगे दोस्तों पांच हो जाएंगे गरीबी भूखमरी अशिक्षा उचित वातावरण का न मिलना और जागरूकता की कमी अगला क्वेश्चन है दोस्तों की कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला दोस्तों सन सत्रह में क्या दोस्तों कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला दोस्तों सन सत्रह सौ इक्यासी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेंग हेस्टिंग हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया दोस्तों कब दोस्तों सत्रह सौ इक्यासी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेंग वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सन उन्नीस सत्रह सौ इक्यानवे में क्या दोस्तों सत्रह सौ इक्यानवे जोनायाल डंकन के प्रयासों से किसके द्वारा 1791 जोंनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया दोस्तों तो मैकाले ने अपना विवरण पत्र दोस्तों 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया कब दोस्तों 2 दो फरवरी 1835 को दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी की शिक्षा नीति कब हुई दोस्तों क्या वुड का घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की दोस्तों वुड के के घपड़ा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई को क्या दोस्तों 19 जुलाई को अपनी शिक्षा नीति घोषित की दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में क्या दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है दोस्तों क्या निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया दोस्तों तो दोस्तों 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 इसमें ध्यान रखिएगा वर्ग का कोई बंधन नहीं है निरौपचारिक शिक्षा शिक्षा में अगर दोस्तों, के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों क्या दोस्तों शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है यह कथन किसका है दोस्तों तो यह कथन दोस्तों आपका प्लेटो का है दोस्तों किसका है प्लेटो का है दोस्तों दोस्तों प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है दोस्तों 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 प्राथमिक शिक्षा से 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 वर्ष वर्ष तक वर्ष तक प्रारंभ होती है कब अगला क्वेश्चन है दोस्तों शिक्षा प्रक्रिया है इस कथन की व्याख्या कीजिए दोस्तों तो क्या है दोस्तों शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है दोस्तों ये डीवी ने बताया था शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है दोस्तों तो जान डीवी ने कहा कि शिक्षा में अध्यापक अध्याप देखिए अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम का भी सम्मिलित होना किया जाता है इसलिए इसका शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है दोस्तों जान डीवी के अनुसार अध्यापक बालक और क्या होना चाहिए दोस्तों शिक्षक सिच्छा, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों होना चाहिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखी क्या दोस्तों गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखी दोस्तों गांधी जी ने कहा कि शिक्षा मेरा शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना क्या दोस्तों बालक की संपूर्ण शारीरिक मानसिक

अलग क्वेश्चन दोस्तों परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि शिक्षा दी जानी चाहिए दोस्तों, ध्यान परिवार में अगला क्वेश्चन दोस्तों, दोस्तों? दोस्तों, दोस्तों। प्रयोजनवादी शिक्षा के दो उद्देश्य लिखे दोस्तों पहला दोस्तों पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध क्या दोस्तों प्रयोजनवादी शिक्षा का दो उद्देश्य यह है दोस्तों कि पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करता है यह और नवीन मूल्यों का निर्धारण करता है दोस्तों नवीन मूल्यों का निर्धारण अगला क्वेश्चन दोस्तों बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है दोस्तों ध्यान रखिएगा डॉक्टर मारिया मंटेशी का जन्म इक्कीस अगस्त अठारह को चिरियावेली इटली में हुआ था दोस्तों कहां पर डॉक्टर मारिया मंटेसरी का जन्म दोस्तों इक्कीस अगस्त अठारह सो में चीरिया इटली में हुआ था दोस्तों कहां पर इटली में हुआ था दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कि समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए क्या दोस्तों समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए दोस्तों मै, मैकाई एवं पेज के मैकाई पेज के के अनुसार अनुसार क्या दोस्तों कि समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं की अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की क्या दोस्तों मैकाईवर एवं पेज के अनुसार दोस्तों समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं की अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनता का एक व्यवस्था है क्या दोस्तों कि के अनुसार दोस्तों कि समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं की अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनता की एक व्यवस्था है दोस्तों दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कार्यकों को लिखिए दोस्तों तो क्या होता है परिवार समाज राज्य तथा जनसंचार क्या दोस्तों क्या होता है दोस्तों शिक्षा को प्रभावित करने वाले चार प्रमुख कार्यक्रम है दोस्तों परिवार है समाज है राज्य है और सन जनसंचार है दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों शिक्षा के सर्वभौमीकरण से क्या तात्पर्य है दोस्तों देखिए सर्व का दोस्तों शिक्षा का सर्वभावीकरण क्या असर विभेद रहित शिक्षा से दोस्तों इसका मतलब दोस्तों की शिक्षा की धारा उनतीस दो में देश में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई दोस्तों शिक्षा के सार्वभौमिक से क्या आशय दोस्तों तो ध्यान रखिएगा शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय विभेद रहित शिक्षा से है दोस्तों दोस्तों हमें क्या होना चाहिए किसी चीज़ का भेदभाव शिक्षा को से में नहीं होना चाहिए दोस्तों अगर क्वेश्चन मतलब बाल श्रम से क्या अप्राय है दोस्तों बाल श्रम का मतलब जो होता है दोस्तों कि जो श्रम चौदह वर्ष से कौल कम बालकों के द्वारा किया जाता है दोस्तों मतलब जो श्रम दोस्तों चौदह वर्ष से कम बालकों के द्वारा किया जाता है दोस्तों उसे बाल श्रम कहते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वायु प्रदूषण के मुख्य रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं क्या दोस्तों वायु प्रदूषण के मुख्य रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं दोस्तों तो दोस्तों दो स्रोत होता है दोस्तों एक प्राकृतिक स्रोत होता है दोस्तों एक मानव स्रोत होता है दोस्तों वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत होता है दूसरा क्या होता है दोस्तों मानव स्रोत होता है दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जल संरक्षण से क्या अपराध है दोस्तों जल संरक्षण का मतलब दोस्तों जल को बचाना दोस्तों तो जल संरक्षण से तात्पर्य जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना उनका विकास करना यह संरक्षण सतही तथा भूमि के अंदर दोनों ही प्रकार के जल का संरक्षण करना होता है दोस्तों तथा तो जल के प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखना है दोस्तों तो दोस्तों जल संरक्षण का समझ में आ गया है दोस्तों तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ अब दोस्तों तब तक के लिए हम देते हैं दीजिए मुझे इजाज़त दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक जय हिंद दोस्तों धन्यवाद